तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग पॉपुलर इनकम सोर्स यानी कि रियल एस्टेट बिजनेस करके अर्निंग कर सकते हैं। पर उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रियल एस्टेट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आखिरकार रियल एस्टेट बिजनेस होते क्या है। तो गाइस, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर प्लॉट, मकान, दुकान, बिल्डिंग और फ्लैट्स के संबंधित काम किए जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो रियल एस्टेट बिजनेस में भी रियल एस्टेट एजेंट या फिर प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो कि दुकान, मकान, बिल्डिंग या फिर फ्लैट्स को जरूरतमंद लोगों को बिकवाने और दिलाने का काम करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिल्डर्स खुद ही बिल्डिंग बनवा के उसे बेचते हैं। ज्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर एज अ मिडलमैन बन के घर खरीदने की डील फाइनल करवाते हैं। रियल एस्टेट एजेंट या फिर प्रॉपर्टी डीलर जरूरतमंद लोगों से डील करके कमीशन के रूप में अपनी कमाई करते हैं। बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर उसे बेचने तक का सारा काम करते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज रियल एस्टेट बिजनेस के अंडर ही आती है। रियल एस्टेट बिजनेस की शुरुआत के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, जिसके बाद ही आप लोग एक लीगल रियल एस्टेट बिजनेस चला सकते हैं। तो गाइस, अब तो आपको पता चल ही क्या होगा कि आखिरकार रियल एस्टेट बिजनेस होता क्या है एंड वही प्रॉपर्टी डीलर एंड रियल एस्टेट एजेंट कैसे काम करते हैं। पर चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक रियल एस्टेट एजेंट बन के कैसे आप लोग लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट बन के अर्निंग करने के लिए आपको अपने आस पास के शहरों में नजर रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है। रियल एस्टेट बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग इस बिजनेस को अपने घर में ही स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आप लोगों को कोई ऑफिस या फिर कैबिन नहीं बनाना पड़ेगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छी तरीके से कमाई कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी सही लोकेशन पर अगर आपको जमीन मिल रही है जो प्राइम लोकेशन पे हो और आपको लग रहा है कि आगे जाके इस जमीन के जो रेट है वो काफी ज्यादा हाई होने वाली है, तो आप लोगों को इस जमीन को जल्दी से जल्दी खरीद लेना होगा। लेकिन अगर कुछ एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को ये लगता है कि हाँ, इस जमीन के जो रेट है वो आगे जाके फ्यूचर में जो है वो काफी कम हो जाएगी, तो आप लोगों को उस जमीन पर अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये याद रखिएगा कि जब भी आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास उस प्रॉपर्टी के सारे पेपर होने चाहिए, बिकॉज आगे जाके अगर आप लोग उस प्रॉपर्टी को अपने क्लाइंट को सेल करेंगे तो वो क्लाइंट भी आपसे उस प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स की डिमांड करेगा। एंड अगर आप लोगों के पास उस प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स नहीं होंगे तो वो क्लाइंट उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि उस प्रॉपर्टी का आप लोगों के पास सारे पेपर्स हैं, एंड उसके बाद आप लोग अपने बिजनेस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वो डाल सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे आप लोग अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो है जितने भी आप लोग के पास प्रॉपर्टीज की पिक्चर्स हैं, आप लोग उसे अपलोड कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल अपलोड कर सकते हैं। एंड जैसे किसी भी क्लाइंट को आपके ऑफर किए गए प्रॉपर्टी पसंद आती है, वैसे ही वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद आप लोग इजिली उस प्रॉपर्टी को उस क्लाइंट को सेल कर सकते हैं, एंड बीच में जो भी मार्जिन रहेगा वो आप लोगों का प्रॉफिट होगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया कैसे आप लोग रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट बिजनेस पे आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि क्या आप लोग रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि क्या आप लोग रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। अनुभव, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।